हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है घोड़े की सवारी। ठीक है बच्चों, तो पहले दिया हुआ है प्रस्तावना। प्रस्तुत कहानी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बचपन से संबंधित है। वह बचपन से ही बहादुर थे। आइए पढ़ें। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बड़ा संघर्ष किया। बचपन में वे थोड़े शरारती थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं बच्चों, वो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत क्या किया है? संघर्ष किया है। ठीक है, आगे दिया हुआ है। उनके पिता मोतीलाल नेहरू बड़े रईस आदमी थे, बहुत रिच फैमिली से थे। ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो, उन्होंने जवाहर के लिए घोड़े की सवारी का इंतजाम कर दिया। जब जवाहर घूमने जाते, एक राइस उनके साथ साथ चलता। जवाहर को इसमें आनंद नहीं आता था, क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे चलता था। एक दिन उन्होंने राइस से कहा, तुम मुझे अकेले घोड़ा दौड़ाने दो। राइस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसे डर था कि बालक घोड़े से गिर जाएगा, पर जवाहर इसकी बिल्कुल चिंता ना थी। उनके बार बार कहने पर आखिर राइस कुछ दूर हट गया। अब जवाहरलाल ने जोर से घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। घोड़ा कुछ देर तो दौड़ा, फिर उसने जवाहर को नीचे गिरा दिया और वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। ठीक है, जो घोड़ा था उसने क्या किया, जो जवाहरलाल थे, जो छोटे से बच्चे थे, उनको गिरा दिया और घर के लिए निकल गया। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। जवाहर के पिता मोतीलाल नेहरू ने जब घोड़े को खाली वापस आते देखा तो वे घबरा गए। सोचने लगे कुछ अनहोनी हो गई है। इतने में ही पीछे पीछे बालक जवाहर भी दौड़ता हुआ आ गया। बोला, पिताजी, मैं घोड़े को दौड़ा रहा था, इसने मुझे गिरा दिया, लेकिन मैं घबराया नहीं। थोड़ी सी चोट लगी है, पर देखिए, मैं दौड़ा आ गया और घोड़े के साथ ही पहुंच गया। अब मैं फिर से इसे दौड़ाऊंगा। मोतीलाल नेहरू ने सुना तो वे मुस्कुराए। उन्होंने अपने लाडले बेटे को शाबाशी दी। बोले, तुम सचमुच बहादुर हो, आज मैं समझ गया, बड़े होकर तुम बहुत नाम कमाओगे। तो बच्चों, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें घोड़े ने गिरा दिया, लेकिन फिर भी वो उठकर और घोड़े के साथ ही घर पहुंच गए और उसे फिर से दौड़ाने के लिए अपने पिता से बोला। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर था, आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, घोड़े की सवारी। आगे दिया हुआ है शब्द ज्ञान, उसको पढ़ते हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ होता है आज़ाद। ठीक है बच्चों, अगला शब्द है संघर्ष। संघर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं फाइट, और इसका हिंदी अर्थ होता है लड़ाई। ठीक है बच्चों, रईस का इंग्लिश शब्द होता है रिच। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अमीर। आगे दिया हुआ है अभ्यास, इसमें पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बच्चों, हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमारा सही होगा उसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, राइस जवाहर को घोड़े अकेले दौड़ाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि वे भाग जाएंगे, वे गिर जाएंगे, वे डर जाएंगे, ये सभी। तो जो 12 नंबर का ऑप्शन है बच्चों, वो सही हो जाएगा, उन्हें क्या डर था कि वे गिर जाएंगे। तो 12 नंबर पर हम गाइड का निशान लगा देंगे। अगला है, खा नंबर पर, खाली घोड़े को वापस आते देख मोतीलाल नेहरू है सोचकर घबरा गए कि आ नंबर पर, घोड़ा थक गया है, कोई अनहोनी हो गई है। सा नंबर पर, घोड़ा भाग गया है। द नंबर पर, ये सभी। तो घोड़े को खाली वापस आते देखते हुए मोतीलाल नेहरू ने सोचा था कि कोई अनहोनी हो गई है। तो जो 12 नंबर का
ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर, जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले क्या थे? आ नंबर पर प्रधानमंत्री, ब नंबर पर राष्ट्रपति, स नंबर पर गृह मंत्री और द नंबर पर गवर्नर। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे बच्चों? आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। तो जो आ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो इसका उत्तर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो इसका उत्तर होगा, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ठीक है बच्चों। अगले पेज पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर अगला, घोड़े से गिरने पर जवाहर ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, घोड़े से गिरने के बाद जवाहर उठकर घोड़े के पीछे दौड़कर आ गए, ठीक है। अगला प्रश्न है घ नंबर पर, जवाहर के घर आने पर उनके पिता ने क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जवाहर के घर आने पर उनके पिता ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो, बड़े होकर बहुत नाम कमाओगे, ठीक है बच्चों। समझ में आया, ये हमारे प्रश्नों के उत्तर थे। आगे दिया हुआ है शब्द बोध, पहला प्रश्न है सही जोड़े बनाइए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लड़का को हम किससे मैच करेंगे? लड़की से, ठीक है। और इधर साइड में लिख देंगे लड़का लड़की, ठीक है। भाई को किससे मैच करेंगे? बहन से। और इधर साइड में लिख देंगे भाई बहन। पिता को मैच करेंगे माता से, ठीक है। और साइड में लिख देंगे पिता और माता। दादाजी को मैच करेंगे बच्चों हम दादी से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे दादा दादी। आगे दिया हुआ है नाना को हम मैच करेंगे नानी से, ठीक है। और इधर लिख देंगे नाना नानी, ठीक है। इस प्रकार से हमारी जोड़ी बना लिए हैं हमने। आगे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, इन शब्दों को सुंदर लिखाई में लिखिए। तो बच्चों जैसे लिखा हुआ है वैसा का वैसा आपको दूसरी साइड लिखना है, ठीक है। पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? आनंद। तो आपको यहाँ पर भी क्या लिखना है? आनंद। यहाँ लिखा हुआ है संघर्ष, इसको भी यहाँ लिखना है संघर्ष। फिर लिखा हुआ है स्वतंत्र, इस प्रकार से स्वतंत्र लिखना है। प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री लिखना है, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है नीचे दिए गए शब्दों में बहुवचन लिखिए। तो पहला शब्द है बच्चों लड़की, तो लड़की के बहुवचन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? लड़कियाँ, ठीक है। लड़की मीन्स एक लड़की और लड़कियाँ मीन्स बहुत सारी लड़कियाँ। ये एक वचन है और ये बहुवचन है, ठीक है बच्चों। अगला शब्द है कुर्सी, कुर्सी का क्या हो जाएगा? कुर्सियाँ। अगला शब्द है सवारी, सवारी का क्या हो जाएगा? सवारियाँ। तितली, तितली का क्या हो जाएगा? तितलियाँ, ठीक है बच्चों। जो इस साइड में जो शब्द दिए हुए हैं वो एक वचन है और जो इधर लिखे हुए हैं हमने वो बहुवचन है, ठीक है। आगे दिया हुआ है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर पहला शब्द है आज़ाद, आज़ाद का विलोम क्या हो जाएगा? गुलाम, ठीक है। उनके अपोजिट शब्द लिखने हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ है खाली, खाली का क्या हो जाएगा? भरा। अगला शब्द दिया हुआ है बहादुर, बहादुर का क्या विलोम हो जाएगा बच्चों? कायर। धीरे, धीरे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी, ठीक है बच्चों। समझ में आया, ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों।